हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इम एजुकेशन फ्रेंड्स आज मैं आपको क्लास टेंथ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर थ्री के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर का नेम है चीफ रिलीजियस फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड संसार के जितने भी धार्मिक फिलोसफी हैं उनके बारे में डिस्कस करना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द फोर फिलोसफीज़ ऑफ द वर्ड एंड डिस्कस द करैक्टरिस्टिक ऑफ़ द वैदिक फ़िलोसफी संसार की जो चार फिलोसफ़ी हैं उनके बारे में बताइए और जो वैदिक फिलोसफी है उसके कैरेक्टरिस्टिक बताइए उसकी जो क्वालिटी है उसकी जो विशेषताएँ हैं उनके बारे में डिस्कस कीजिए हमारा आंसर है द मेन फलोसफी इन वर्ल्ड संसार में जो मेन फलोसोफी हैं वो हैं वैदिक फ़ोलोसफी बुद्धिस्ट फ़ फोसोफी ज्यूस जैन फलोसोफी और पारसी फ़लोसोफी ज्यूस फलोसोफी को हम यहूदी फ़िलोसफी भी कह सकते हैं फीचर्स ऑफ द वैदिक फ़लोसोफी फ़लोसोफी के जो uh, विशेषताएं हैं वो है द मेन फीचर ऑफ द वैदिक फिलोसफी आर बेस्ड ऑन द मॉरलिटी एंड ट्रूथ जो वैदिक फिलोसफी है वो हमारी नैतिकता और सत्य पर आधारित है प्री डोमिनेंस ऑफ द नेचर और प्रकृति पर ज़्यादा बल देती है कंसेप्ट ऑफ द पोलीथिज्म एंड मोनोथिज्म और, और, मोनो और इसमें कंसेप्ट दिया गया है बहुदेववादी का और अद्वैतवाद का मोनोथिज्म अद्वैतवाद का एंड कंसेप्ट ऑफ रूल्स और नियमों का कंसेप्ट दिया गया है फोर पुरुषार्थ चार पुरुषार्थों को बताया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ द यज्ञास एंड रिचुअल और महत्व बताया गया है यज्ञ का महत्व बताया गया है अनुष्ठानों का महत्व बताया गया है इन डिफरेंस टू मटेरियल लाइफ और जो भौतिक जीवन है उसके बारे में बताया गया है रिकग्नाइज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रीवियस बर्थ और इसमें पूर्व जन्म को रिकग्नाइज किया गया है बताया गया है द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ टू अटेन सेल्वेशन और इसमें बताया गया है जो वैदिक फलोसोफी है कि मनुष्य का जो आखिरी उद्देश्य होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना बिलीफ इन द एक्सिस्टेंस ऑफ द साउल आत्मा का अस्तित्व है उसमें विश्वास होता है इसी के बारे में भी बताया गया है वैदिक फलोसोफी में रिकग्नाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ त्रिगुणा और जो सिद्धांत हैं त्रिगुणा के सत रजा तमा इनके विषय में भी बताया गया है कंसेप्ट ऑफ द डेप्ट और ऋण के विषय में भी बताया गया है देव ऋण हम पर देव ऋण देवों का ऋण होता है गुरु ऋण होता है और ऋण होता है इन सभी के बारे में बताया गया है जो कि वैदिक पीरियड की ये विशेषता है हमारा सेक्स सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड जैनिज्म ओरिजिनेट वॉट आर द सिमिलेरिटीज़ बिटवीन जैन फिलोसफी एंड बुद्धिस फिलोसफी जैन की जैन धर्म की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द जैन फिलोसफी एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी और क्या समानताएँ हैं बुद्ध बौद्ध धर्म में बौद्ध फिलोसोफी में और जैन फिलोसोफी में क्या समानताएँ हैं दोनों एक दूसरे से कैसे मैच करते हैं आंसर है द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज़्म वर प्रिवलेंट इन द नॉर्थ इंडिया इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द वर्धमान महावीर इन दिक्सथ सेंचुरी बी सी जो बेसिक प्रिंसिपल है जो बेसिक सिद्धांत है जैन धर्म का वो है वो प्रचलित था नॉर्थ इंडिया में महावीर uh, स्वामी के जन्म के समय uh, छठी शताब्दी से छठी शताब्दी में बिफोर क्राइस्ट बी बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातें अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन जैन धर्म जैन परंपरा के अनुसार देयर आर व ट्वेंटी थ्री टीचर्स बिफोर महावीरा महावीर स्वामी से पहले तेईस और टीचर्स हुए थे जो कि जैन धर्म के बारे में शिक्षा दिया करते थे हु आर कॉल्ड तिरंतकर जिन्हें तिरंतकर पुकारा जाता है द मीनिंग ऑफ द तिरंतकर इज़ द ग्रेट मैन हु टेक पीपल अक्रॉस द रिवर ऑफ द लाइफ तिरंतकर का मीनिंग है जो ऐसे शिक्षक जो अपनी शिक्षा के द्वारा सामान्य व्यक्तियों को जीवन रूपी नदी से पार ले जाते हैं महावीर महावीर कैरीड ऑन द टीचिंग ऑफ द तिरंतकर बिफोर हिम महावीर महावीर स्वामी अपनी जो तेईस तिरंतकर थे उनकी उन्हीं की शिक्षाओं को महावीर स्वामी ने आगे बढ़ाया और उन्हें लेकर गए ताकि वो समाज को बता सकें जीन मीन्स जैन मीन्स सॉरी जैन मीन्स द फॉलोअर ऑफ द जीन जैन का मतलब है जिन द वर्ड जीन इज़ ड्राइव फ्रॉम द रूट जी विच मीन्स टू विन जो जीन वर्ड है जिन वर्ड है वो लिया गया है जी धातु से जिसका वर्ड है जी धातु विच मीन्स जिसका मतलब होता है टू विन जीतना दस इस प्रकार से जीन मीन्स वन हो कनक्वायर द सेंस जिनका अर्थ हुआ जो इंद्रियों पर काबू कर ले इंद्रियों पर विजय पा ले अर्थात अपनी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन पर कंट्रोल कर लेंगे तो हम किसी भी चीज को पा सकते हैं सिमिलरिटीज़ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं सबसे पहले हैं द फाउंडर ऑफ द बोथ द रिलीजंस वर क्षत्रिय प्रिंसेस जो दोनों धर्म के जो फाउंडर थे संस्थापक थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी वो एक क्षत्रिय घर से संबंध रखते थे और दोनों ही राजकुमार थे बोथ ऑफ देम लेफ्ट द हाउस अगेन एंड अगेन एंड डिड हार्ड पेनेंस और दोनों ने ही अपने घर को त्याग कर दिया था और कठोर तपस्या की थी इन दिस वे इस तरीके से बोथ ऑफ दैम गो ट्रू नॉलेज दोनों को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई नंबर सेकेंड है दीज टू रिलीजन्स एमर्ज एज अ रिएक्शन टू हिंदूज दोनों के धर्म हिंदू के प्रक्रिया से मिलते जुलते हैं बोथ महाबीर स्वामी एंड द महात्मा बुद्ध अपोज द इविल प्रिवलेंट इन द हिंदूज्म एंड कैप्ट सिंपल रूल ऑफ द रिलीजन इन फ्रंट ऑफ द पीपल दोनों ने ही उस उन बुराइयों पर बल दिया उन बुराइयों को हटाने की कोशिश करी जो हिंदू धर्म में थे और ऐस एस, अपने ऐसे सिंपल रूल रखे व्यक्तियों के धार्मिक व्यक्तियों के सामने जिससे व्यक्ति साधारण रूल रखे उनके सामने जो सामान्य जनता थी ताकि वो उन्हें समझ सके और जो समाज में बुराइयां हैं उनको त्याग कर सके देयर फोर इसी द टीचिंग्स ऑफ द बोथ टुक द फॉर्म ऑफ न्यू डिफरेंट रिलीजन दोनों इसी बात ने दोनों की जो शिक्षाएं थी उन्होंने अपने अलग अलग रिलीजन के नाम पढ़ गए अलग अलग धर्मों के नाम हो गए नंबर थर्ड है बोथ रिलीजन्स ले ग्रेट एम्फेसाइज ऑन द नॉन वायलेंस दोनों ही धर्मों ने नॉन अहिंसा पर बल दिया अकॉर्डिंग टू दैम उन दोनों के अनुसार कॉजिंग पेन टू एनी लिविंग बींग्स किसी भी जीवित प्राणी के लिए जो दुखों का कारण है वो है सोचना उनके कार्य उनके शब्द इस आसिन। ये सब जो वो पाप करते हैं अपने बोलने के द्वारा पाप करते हैं अपने कार्यों के द्वारा पाप करते हैं अपने मन में पाप सोचते हैं इसी वजह से इस संसार में दुख है बोथ द रिलीजन्स अपोज द कास्ट सिस्टम दोनों ने अपोज किया अगेंस्ट थे वो दोनों जो कास्ट सिस्टम था जो जाति भेदभाव था अकॉर्डिंग टू दैम उन दोनों के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट अ पर्सन इज हायर और लो ऑन द बेसिक ऑफ कास्ट वो कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जाति पाति में बड़ा नहीं है कोई भी ना छोटा है ना बड़ा है फ्रेंड्स हमारा सेकेंड क्वेश्चन है सॉरी थर्ड क्वेश्चन है डेस्क्राइब द फोर नोबल ट्रूथ ऑफ द गौतम बुद्ध डेस्क्राइब द एट पाथ शोन बाय हिम गौतम बुद्ध के अनुसार चार आर्य सत्य कौन से थे और उन्होंने जो अष्टमार्ग दिखाया था आ, उन्हीं के बारे में डिस्कस कीजिए हमारा जो फर्स्ट है वो है द वर्ल्ड फुल ऑफ सोरो संसार पूरा दुखों दुखों का घर है वो दुख है उसमें जन्म है मृत्यु है कोइंसिडेंस डिसकनेक्शन प्रॉफिट लॉस लाभ हानि और इसीलिए इस संसार में दुख है ये संसार दुखों से भरा हुआ है कॉज ऑफ सोरो इन दुखों का कारण क्या है जो दूसरा आर्य सत्य बताया है महात्मा बुद्ध ने वो है कॉज ऑफ सोरो दुखों का कारण द कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ सोरो इज ह्यूमन क्रेविंग और लस्ट संसार में जो मेन दुखों का कारण है सभी दुखों का कारण है वो है मनुष्य की तीव्र इच्छा और लस्ट तृष्णा मनुष्य की दुख निरोधा इन दुखों को रोकने का क्या कारण है निरोध का क्या है मार्ग वन कैन रिड गेट रिड ऑफ सोरो बाई रेस्ट्रेन कोई भी व्यक्ति इन दुखों से छुटकारा पा सकता है रेस्ट्रेन uh, के द्वारा संयम के द्वारा कंट्रोल करने के द्वारा अपनी तीव्र इच्छाओं पर काबू करके और अपनी लालसाओं पर काबू करके हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं जो महात्मा बुद्ध ने फोर्थ जो बताया है वो है एट फोल्ड पाथ अष्ट मार्ग बताया है महात्मा बुद्ध ने विक्ट्री ओवर सोरो दुखों पर विजय पाना थ्रो द एट फोल्ड पाथ इज़ द वे टू ओवरकम सोरो हम इन आठ इन रास्तों पर चलकर जो महात्मा बुद्ध ने बताए हैं इन चीज़ों को अपनाकर हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं हमारा फर्स्ट है हमारा फर्स्ट है एट फोल्ड पाथ गौतम बुद्धा सेट गौतम बुद्धा कहते थे कि इन ऑर्डर टू अटेन निर्वाण और मोक्षा अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हमें निर्वाण मिलेगा मोक्ष मिलेगा एंड वन शुड फॉलो द एट पॉथ नीडिड हर किसी को इन्हें अपनाना चाहिए द फॉलोइंग आर द एट मेजर ऑफ द एट फोल्ड और इन्हीं के बारे में बताया गया है हमारा फर्स्ट जो है राइट right अंडरस्टैंडिंग सम्यक अंडरस्टैंडिंग uh, होनी चाहिए हमारी फॉल्सुड सिन वर्चू एट्सेट्रा फॉल्सुड जो झूठ होता है जो पाप है जो गुण है उन सबको हमें समझना चाहिए क्या ठीक है क्या बेकार है लीड टू द बिलीफ इन द फोर नोबल ट्रूथ और हमें चार आर्य सत्य को मानना चाहिए नंबर सेकंड जो महात्मा बुद्ध ने बताया है वो है राइट right थॉट टेकिंग आ रिजोल्यूशन टू स्टे अवे फ्रॉम क्रेविंग हमें तृष्णा से तीव्र इच्छाओं से दूर रहना चाहिए मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट इससे हमारा मानसिक विकास भी होगा और हमारा नैतिक विकास भी होगा नंबर थ्री जो महात्मा बुद्ध ने बताया है वो है राइट स्पीच ऑलवेज स्पीक ट्रूथफुल हमेशा मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए अच्छी स्पीच देनी चाहिए नंबर फोर्थ जो महात्मा बुद्ध ने बताया है वो है राइट right एक्शन सही काम करने ऑलवेज डूइंग गुड डीड्स हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए नंबर फिफ्थ है द राइट लाइवलीहुड हमारी जीवन जी जीविका जो हम जीने के लिए करते हैं अर्निंग वन लाइफ सुड बाई होली मीन्स हमारे जो कमाने की जो प्रक्रिया है वो पवित्र होनी चाहिए ईमानदारी से हमें सत्य से सत्यता से हमें कमाना चाहिए नंबर सिक्सथ है एट एफर्ट प्रयास करने चाहिए स्टार्विंग टू बी गुड हमें मेहनत करनी चाहिए uh, संघर्ष करना चाहिए एंड वर्किंग हार्ड टू पुट द बॉडी इन गुड वर्क और अपने शरीर को अच्छे कार्य करने में लगाना चाहिए राइट uh, माइंडफुलनेस right, uh, नंबर सेवन जो बताया है राइट माइंडफुलनेस ऑलवेज रिमेंबर वन मिस्टेक अपनी जो कमियां होती हैं जो मिस्टेक होती हैं उनके बारे में हमें एनालाइज़ करना चाहिए एंड ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दैम और जो भी कमियां होती हैं उनसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए राइट right कंसनट्रेशन और हमें कंसंट्रेशन मेडिटेशन करनी चाहिए एकाग्रता करनी चाहिए मेडिटेशन टू कंसंट्रेट द माइंड क्योंकि इससे हमारा जो मस्तिष्क है हमारा जो माइंड है वो आ, नियंत्रण में होता है द अष्ट मार्ग और द एट फोल्ड पाथ इज़ आल्सो कॉल्ड जो अष्ट मार्ग हैं और जो आठ एट फोल्ड पाथ हैं उन्हीं को हम मिडल पाथ भी कहा गया है बिकॉज इट इज़ द पाथ बिटवीन अ वेरी हार्ड एंड अ वेरी सिंपल लाइफ क्योंकि ये जो अष्ट मार्ग है वो एक कठिन जीवन और बहुत ही साधारण जीवन के मध्य का एक मार्ग है जो कि व्यक्ति अपना सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेंशन द टीचिंग ऑफ जोरास्थ्रीज्म एंड जुडीज्म फ्रेंड्स थोड़ा प्रोनाउंस में मिस्टेक हो सकता है एडजस्ट कीजिएगा पारसी जोरास्थ्रीज्म बोलते हैं पारसी को एंड जुडीज्म बोलते हैं यहूदी धर्म को जोरास्थ्रीज्म एंड जुडीज्म आर टू एंशियंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पारसी और यहूदी ये प्राचीन धर्म हैं संसार के जर वाज़ द फाउंडर ऑफ द जोराथिज्म जरथ्रुस्त इसके संस्थापक थे एंड जूडिज्म के इन दोनों ही धर्म के जो संस्थापक थे वो थे जर्थ्रुस्त द फाउंडर वाज़ मोसेस। सॉरी, जो जोराज्म थे उसके जरथ्रुस्त थे और जो पार्स यहूदी धर्म था उनके फाउंडर थे मूसा द मेन टीचिंग ऑफ दिस रिलीजन आर गिवन बिलो इन्होंने भी बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं जो कि बताई गई हैं नंबर फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द परसीज आहूर मजदा इज़ द क्रिएटर ऑफ द ऑल क्रिएशन जो जर थे वो अपनी शिक्षाओं में बताया करते थे आ, वो बताया करते थे जो सॉरी अकॉर्डिंग टू पारसी पारसी धर्म के अनुसार जो आहूर जजदा है वो ही सभी का क्रिएशन है वो ही निर्माण करने वाला है ही टेक्स केयर ऑफ ऑल जरुस्था कंसिडर आहूर मजदा टू बी द फॉर्म ऑफ द गॉड और जर तुरुस्त को ही आहूर मजदा को गोड के रूप में माना जाता था एंड द सन एंड द मून और उसे ही सूर्य माना जाता था और उसे ही चांद माना जाता था एज़ हिज टू आई जैसे सूरज और चांद उसकी आंखें हों और आहूर मजदा उनका भगवान हो इस तरह से उन्हें माना जाता था इन दिस रिलीजन इस धर्म में ग्रेट एम्फेसाइज हैज़ बीन लेड ऑन द प्योरिटी ऑफ माइंड इस धर्म में जो विशेष बल दिया गया है वो है प्योरिटी ऑफ माइंड हमारे जो मस्तिष्क की हमारे जो दिमाग की शुद्धता वर्ड हमारे शब्दों की शुद्धता एंड द डीड और हमारे कार्यों की पवित्रता को पवित्रता पर बल दिया गया है इन दिस रिलीजन इस धर्म में ग्रेट एम्फेसाइज हैज़ बीन लेड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी और फ्रेंड्स इस धर्म में पारसी धर्म में जो दान होता है उस पर भी विशेष बल दिया गया है कि मनुष्य को दान देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिलीजन धर्म के अनुसार एवरी पर्सन शुड डू थ्री वर् वर्चुअस डीड इस धर्म के अनुसार हर व्यक्ति को ये अच्छे कार्य करने चाहिए नंबर फर्स्ट है टू मेक एन इनैमी अ फ्रेंड किसी भी शत्रु को मित्र बना लेना चाहिए टू शो दिल पर्सन द पाथ ऑफ गोड किसी भी बुरे इंसान को आ, अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए टू मेक द इग्नोरेंट वाइज और किसी भी अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान बताना चाहिए किसी भी अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान बताना चाहिए द जोरेस्त्रेन्स कंसिडर द सन टू बी द सिम्बल ऑफ द आहुर्मजदा जो जोरस्तरेन है उसे समझा गया है सूरज और उसे सिंबल बताया गया है आहूर मजदा का दैट इज़ वाई यही कारण है कि दे गिव ग्रेट इम्पोर्स इम्पोर्टेंस टू द वर्शिप ऑफ द सन एंड फॉर यही कारण है कि इस धर्म के जो व्यक्ति हैं वो सूरज और अग्नि की पूजा पर ज़्यादा महत्व देते हैं ज़्यादा बल देते हैं उस पर एकॉर्डिंग टू जरसुरुस्त्र मैन शुड लव ट्रुथ जर के अनुसार मनुष्य को प्रेम करना चाहिए सत्य से प्रेम करना चाहिए और झूठ से नफ़रत करनी चाहिए इन द एंड और लास्ट में ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स और सत्य की ही जीत होगी पर्सी कंसिडर गोड एज ओमनी पोटेंट और जो पारसी हैं वो मानते हैं कि जो भगवान हैं वो सर्वशक्तिमान है ओमनी प्रजेंट वो हर जगह विद्यमान हैं दे बिलीव इन मोनोथिज्म और वो विश्वास करते हैं अद्वैतवाद में कि भगवान एक है अकॉर्डिंग टू दैम उनके अनुसार गोड इज़ वन भगवान एक है बट मैन हैज़ गिविन हिम डिफरेंट नेम लेकिन मनुष्यों ने उस भगवान के बहुत सारे नाम दिए हैं वर्चू इज़ द प्रिंस प्राइजलेस ट्रेजर ऑफ अ मैन और जो पारसी धर्म है उस धर्म के व्यक्ति उस धर्म में बताया गया है कि जो वर्चू जो व्यक्ति की जो क्वालिटी है जो गुण है वो प्राइजलेस खजाना बताया गया उसे जिस अमूल्य खजाना बताया गया उसे किसी भी मनुष्य का वर्चू लास्ट फॉर एवर वो हमेशा मनुष्य के पास रहती है हमेशा चलती है अकॉर्डिंग टू जड़ रेस्पेक्ट एंड हॉस्पिटैलिटी आर लाइक अ ट्रैप जो जड़ थे उनके अनुसार जो सम्मान है और जो हॉस्पिटैलिटी है हॉस्पिटैलिटी कहते हैं फ्रेंड्स जो आ, हम अपने मेहमानों की रेस्पेक्ट करते हैं उनकी बहुत आव भगत करते हैं उनका सम्मान करते हैं जब भी कोई हमारे घर पर आता है तो उसी को मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं उसी को हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं तो जर दुरुस्त ने यह बताया है कि जो सम्मान है और जो मेहमान नवाजी है वो एक जाल के समान है द पर्सन हु फॉल्स इन ट्रिस्ट्रेट और व्यक्ति उसमें फंस जाता है बिहाइंड इन द रेस ऑफ स्पिरिचुअल और जो व्यक्ति इस जाल में फंस जाता है हॉस्पिटैलिटी और रेस्पेक्ट में वो आध्यात्मिकता की रेस से बाहर हो जाता है इट मीन्स वो आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता वो सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है इन शॉर्ट शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट जोरोथिज्म लाइक अदर रिलीजन जोरोथिज्म जो है दूसरे ही धर्मों की तरह बताया गया है ऑल्सो शो द पाथो इसने भी हमें ऐसा uh, आदर्शवाद का रास्ता दिखाया गया है डोंट गेट ट्रैप इन फॉल्स रेस्पेक्ट झूठे सम्मान में हमें फंसना नहीं चाहिए मेंटेन द प्योरिटी शुद्धता को बनाए रखना चाहिए पर्यावरण की और हमारे जो आसपास का वातावरण है उसकी शुद्धता को पवित्रता को बनाए रखना चाहिए एंड हेल्प द डाउन ट्रोडन एट्सेट्रा और जो हमारी दलित इच्छाएं हैं दमित इच्छाएं हैं उनको उनमें हेल्प करेगा ये टीचिंग ऑफ जूडिज्म जो इसकी शिक्षाएं हैं वो किस तरह की हैं फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस में जो शिक्षाएं दी गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें पहली जो बताई गई है वो है मैन शुड मैन शुड हैव फेथ इन ओनली वन गॉड मनुष्य को केवल एक भगवान में विश्वास करना चाहिए मनुष्य को केवल एक भगवान में विश्वास करना चाहिए नंबर सेकंड है एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एवरी ह्यूमन बींग शुड फॉलो द पाथ ऑफ धर्मा हर व्यक्ति को धर्म की धर्म के रास्ते को अपनाना चाहिए दे शुड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम ई विल और उसे हमेशा बुराइयों से दूर रहना चाहिए नंबर थर्ड है पीपल मस्ट रिपेंट ऑफ देयर सिंह जो व्यक्ति व्यक्ति को अपने पापों के लिए रिपेंट करना चाहिए पश्चाताप करना चाहिए बिकॉज गॉड फॉर गिव दोज हुपेंट क्योंकि भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं जो पश्चाताप करते हैं नंबर फोर्थ बताया है मैन शुड बी काइंड एंड हम्बल मनुष्य को काइंड होना चाहिए हम्बल होना चाहिए दयालु और विनम्र होना चाहिए नंबर फिफ्थ बताया है गॉड इज़ द मास्टर ऑफ ऑल भगवान ही सबका मास्टर है ही इज़ द वन ओ टू फ्री मैन फ्रॉम स्लेवरी। और वही एक ऐसा भगवान है जो ग़ुलामी से जो स्लेवरी से हमें मुक्त कर सकता है नंबर सिक्स है वर्ड वर्क सिक्स डे आ वीक इस धर्म में बताया गया है जूडिज्म धर्म में बताया गया है कि मनुष्य को सप्ताह में छः दिन काम करना चाहिए एंड रेस्ट वन ऑफ द सेवन्थ डे और सातवें दिन उसे रेस्ट करना चाहिए इट इज़ द डे ऑफ द लोड क्योंकि ये दिन भगवान का होता है नंबर सेवन्थ है यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स तुम्हें अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए नंबर एट्थ बताया है मैन शुड नोट किल वन मनुष्य को किसी को भी नहीं मारना चाहिए नोर शुड ही स्टिल एनीथिंग और ना ही कुछ चुराना चाहिए नंबर नाइन है डोंट गिव फॉल्स टेस्टमोनी अगेंस्ट योर नेबरहुड और तुम्हें किसी को भी अपने पड़ोसी अपने पड़ोसी की झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए और नंबर जो टेंथ है वो बताया गया है अ मैन शुड नोट कीप एन ई विल एनी आई ओन हिज नेबरस प्रॉपर्टी और किसी भी व्यक्ति को अपने नेबर जो पड़ोसी होता है उसके धन संपदा पर आ, बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए उसकी पत्नी पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए उसके नौकरों पर उसके सर्वेंट पर नहीं मेड सर्वेंट पर नहीं रखनी चाहिए इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू ज्यूस जो यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म की जो फ़िलोसफी है मॉरलिटी इज़ द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन बी उन्होंने जो मेन बात बताई है वो है नैतिकता मनुष्य की असली पहचान है फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका एक पार्ट ये करा रही हूँ आज मैं सेकेंड पार्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मैं आगे भी वीडियो लेकर आऊँगी तो चलिए फ्रेंड्स आज